अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। बेसिकली इंट्राओकुलर लेंस जो है, आप सभी जानते हैं जो हमारा इंट्राओकुलर लेंस जो होता है वो क्या होता है। सो हम उसके इम्प्लांटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसमें देखेंगे जो हमारे इंट्राओकुलर लेंस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और ये किस मटेरियल के बने होते हैं, और इनकी जो फंक्शन एबिलिटी होती है वो क्या होती है, और जो कैलकुलेशन जो बायोमेट्री जो करते हैं, जो उसको कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंट्राओकुलर लेंस। जो हमारे इंट्राओकुलर लेंस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा इसमें पहला दिया हुआ है वेस्ट ऑन द मैथड ऑफ फिक्सेशन इन द आई। तो सबसे पहले इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, एंटीरियर चैम्बर IOL, आयरिस सपोर्टेड लेंस, पोस्टीरियर चैम्बर लेंस। तो सबसे पहले हम एंटीरियर चैम्बर इंट्राओकुलर लेंस की बात करें, तो ये है हमारा एंटीरियर चैम्बर का इंट्राओकुलर लेंस। इसको हम एंगल सपोर्टेड इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं। इसका जो नेम है वो है कैलमन मल्टीफोकल। ACIOL आर यूज्ड ओनली इन द दोज केसेस वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू द PCIOL। जो हमारा एंटीरियर चैम्बर IOL है वो हमारा कब यूज़ होता है, जब पोस्टीरियर चैम्बर IOL डालना पॉसिबल नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या है, हम ACIOL इम्प्लांट करते हैं। जो हमारा सेकंड जो दिया है वो है आयरिस सपोर्टेड लेंस। बेसिकली ये क्या है, हमारा आयरिस सपोर्टेड लेंस है। दीज लेंसेज आर फिक्स्ड ऑन द आयरिस विद द हेल्प ऑफ सूचर और क्लॉस। ये जो लेंस जो होते हैं वो हमारे फिक्सेट होते हैं आयरिस पर सूचर और क्लॉस के द्वारा। तो इसका जो है ये हमारा आयरिस क्लॉस लेंस है। ये क्या है हमारा, ये भी हमारा पोस्टीरियर का है, सी लूप लेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर चैम्बर लेंस की। जो PCIOL जो होती हैं हमारे, जो PCIOLs रेस्ट एंटायरली बिहाइंड द आयरिस। जो PCIOL जो बेसिकली जो हमारे ज़्यादातर जो इम्प्लांट की जाती हैं वो PCIOL ही किए जाते हैं, वो क्या है हमारे आयरिस के पीछे क्या है फिक्सेट किए जाते हैं। इसमें क्या है हमारे फोर लूप्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये क्या हो गए हमारे PCIOL के फोर लूप्स, और ये हमारा क्या है पोस्टीरियर चैम्बर का लेंस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये क्या हमारा आईबॉल का स्ट्रक्चर है। जो हम एंटीरियर वाले जो प्लेस करेंगे वो यहाँ पे आइरिस के एंटीरियर में करेंगे इन फ्रंट में, और जो पोस्टीरियर वाले जो करेंगे वो आइरिस के बिहाइंड करेंगे। ठीक है, और जो हमारे आइरिस जो आइरिस सपोर्टेड लाइन जो होते हैं वो आइरिस पर फिक्सेट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड बी में। बी में क्या है हम देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो बेसिकली जो इंट्राओकुलर लेंस जो होती हैं वो किस चीज़ के बनी होती हैं, उनकी मैन्युफैक्चर मटेरियल के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होती है, इसके जो मैन्युफैक्चर मटेरियल होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, रिजिड इंट्राओकुलर लेंस, फोल्डेबल इंट्राओकुलर लेंस, रोलेबल इंट्राओकुलर लेंस। हमारा जो रिजिड है या फिर हमारा हार्ड लेंस है तो वो किसका बना होता है, जो हमारा रिजिड इंट्राओकुलर लेंस जो है वो हमारा बना होता है मेड एंटायरली फ्रॉम पामा। ये जो हार्ड लेंस जो है या रिजिड लेंस जो हमारा बना होता है वो पामा का बना होता है। पामा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉली मिथाइल मैथा एक्रिलेट। सेकेंड जो हमारा मटेरियल दिया है वो दिया है रोलेबल इंट्राओकुलर लेंस। दूसरे टाइप के जो होते हैं हमारे वो रोलेबल इंट्राओकुलर लेंस जो होते हैं, जो हमारे बनी होती हैं सिलिकॉन, एक्रिलिक, हाइड्रोजेल, कोलम्बर। ये जो इम्प्लांट्स थ्रू स्मॉल इंसिजन 2 to 2 mm। ये जो हमारे जो फोल्डेबल लेंस जो होते हैं वो इम्प्लांट किए जाते हैं स्मॉल इंसीजन, मतलब छोटे से कट के द्वारा। ये होता है साइड से क्या हल्का सा कट लगाते हैं 2 to 2.2 mm का। उसके बाद थर्ड नंबर का जो है वो हमारा होता है रोलेबल इंट्राओकुलर लेंस। रोलेबल इंट्राओकुलर लेंस जो होते हैं वो हमारे अल्ट्रा थिन होते हैं, अल्ट्रा थिन इंट्राओकुलर लेंस होते हैं। ये जो लेंस जो बने होते हैं हमारे वो हाइड्रोजेल के बने होते हैं। इनको जो इम्प्लांट करते हैं तो उसमें जो इंसीजन या फिर
कट जो लगाते हैं वो 1 mm का लगाते हैं। तो ये तो हमारा मटेरियल मैग्नीफैक्चर लेंस जो होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट ऑन फॉक्सन एबिलिटी इंट्राकुलर लेंस, जो लेंस की जो फॉक्सिंग एबिलिटी, जो फोकस करने की जो क्षमता जो होती है उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा दिया है यूनिफोकल इंट्राकुलर लेंस, मल्टीफोकल इंट्राकुलर लेंस, एकोमोडेटिव इंट्राकुलर लेंस। तो ये क्या है हमारा यूनिफोकल इंट्राकुलर लेंस। यूनिफोकल मीन्स इसमें क्या है हमारा एक ही फोकस पॉइंट होगा। मल्टीफोकल, मल्टीफोकल मीन्स होता है कई सारे फोकस पॉइंट होंगे, नियर, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट। एकोमोडेटिव मतलब एकोमोडेशन के लिए ही यूज़ होगा। तो हमारा मल्टीफोकल लेंस है उसमें अलग 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 एरिया में अलग अलग फोकस पॉइंट हैं। इसमें अगर हम यहाँ की बात करें तो इस यहाँ पे जो दिया है ये हमारा क्या है डिस्टेंस विजन मॉडरेट टू लो, ये वाला जो एरिया है इसमें क्या होगा डिस्टेंस विजन फॉर डे टाइम ड्राइविंग। ये जो दिए हैं छोटे छोटे जोन ये क्या करते हैं ट्रांजिशंस प्रोवाइड इंटरमीडिएट विजन। ये वाला जो एरिया इसमें दिया है वो हमारा है डिस्टेंस विजन ड्राइविंग, और ये वाला जो एरिया है वो है हमारा नियर विजन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एकोमोडेटिव इंट्राकुलर लेंस। जो एकोमोडेटिव इंट्राकुलर लेंस होते हैं वो हेपेटिक एंड लूप्स, ये क्या हमारा एकोमोडेटिव इंट्राकुलर लेंस है। ये इसका क्या है ऑप्टिक है, ये क्या है इसके हेप्टिक और लूप्स दिए हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हमारा इसमें जो दिया था वो पहला था हमारा यूनिफोकल इंट्राकुलर लेंस। द यूनिफोकल इंट्राकुलर लेंस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन हैविंग यूनिफोकल पावर, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। बेसिकली जो यूनिफोकल होते हैं उनमें एक ही फोकस पॉइंट होता है। ये जो यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे कॉमनली मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीफोकल IOLs की। जो मल्टीफोकल आईओएल जो होती हैं वो हमारी होती हैं हैव सेपरेट ऑप्टिक्स टू फोकस फॉर डिस्टेंस एंड नियर, सो ऑल्सो नोन एज साइमल्टेनियस विजन लेंसेज। ये जो हमारे मल्टीफोकल जो यूज़ होते हैं वो नियर और डिस्टेंस दोनों के लिए होते हैं। उसके बाद हमारे थर्ड नंबर का है वो है एकोमोडेटिव IOL, एकोमोडेटिव इंट्राकुलर लेंस फॉर नियर विजन एंड एकोमोडेशन। सिंक्रोनी लेंस विच इज़ बेस्ड ऑन डुअल ऑप्टिक मैकेनिज्म, ये जो लेंस जो यूज होते हैं वो सिंक्रोनी के लिए और नियर विजन और एकोमोडेशन के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल फंक्शन इंट्राकुलर लेंस, जो हमारे स्पेशल फंक्शन के लिए जो लेंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं। पहला इसमें हमारा टोरिक इंट्राकुलर लेंस, अस्फेरिक इंट्राकुलर लेंस, एनाइरिडिया इंट्राकुलर लेंस। तो हमारा जो टोरिक इंट्राकुलर लेंस होते हैं वो करेक्ट करते हैं एस्टिगमेटिज्म को, अस्फेरिक जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं एब्रेजन को, और जो एनाइरिडिया इंट्राकुलर लेंस जो होते हैं वो कॉस्मेटिकली कवरअप के लिए या फिर डिफेक्ट ऑफ एनाइरिडिया के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंट्राकुलर पावर, जो हम इंट्राकुलर पावर को जो कैलकुलेट जो करते हैं उसके फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या दिया है द फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेट द इंट्राकुलर पावर इज, इसका जो फॉर्मूला है वो है SRK, सैंडर्स, रिट्जलाफ एंड क्रैफ। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो है P = A - 2.5 L - 0.9 K। पी जो है हमारा वो है पी इज द पावर ऑफ इंट्राकुलर लेंस, ए इज अ कॉन्स्टेंट विच इज स्पेसिफिक ईच फॉर ईच लेंस टाइप्स, एल है हमारा एल इज एक्सियल लेंथ फॉर द आईबॉल इन mm विच इज डिटरमाइंड वाया ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी, के जो है हमारा वो है के इज एवरेज कॉर्नियल कर्वेचर विच इज डिटरमाइंड बाय द केराटोमेट्री। सो गाइज ये हो गया हमारा केराटोमेट्री, ये हो गया हमारा इंट्राकुलर लेंस की पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।